नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरिकेश और स्वागत करता हूं बाला टेक्निकल चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में कि डीजी शक्ति पोर्टल क्या है और डीजी शक्ति पोर्टल से स्टूडेंट का डाटा कैसे वेरीफाई होगा और कौन इस डाटा को वेरीफाई करेगा और स्टूडेंट को क्या करना होगा, सारा कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजी शक्ति यूपी के नाम से ये एक मेल आया जो उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के जो टाइटल्स है जो डीजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिसका नाम है जो नोडल अधिकारी है उनका यहाँ पे नाम दिया है डीआर जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर लॉगिन हैज बीन क्रिएटेड ऑन डीजी शक्ति वेब पोर्टल एज कॉलेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑफ टेबलेट पीसी एंड स्मार्टफोन टू यथ स्टूडिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड अदर टारगेट बेनिफिशरी ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन यूआरएल मिल जाएगा। इसी लॉगिन यूआरएल से जो ये डीजी शक्ति पोर्टल है उसको एक्सेस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड जो मेंशन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो डीजी शक्ति पोर्टल का है जो ये लॉगिन करने के लिए जो क्रेडेंशियल है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन इन करने के लिए दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये लोगो है जो डीजी शक्ति पोर्टल का है। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसको आपको जो भी नोडल अधिकारी है वो इस दिशा निर्देश को देख सकता है। यहाँ पे इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में है, तो आप भी पढ़ना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका यूजर टाइप है, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। ACS ID, UPSC डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, यूनिवर्सिटी बोर्ड, सोसाइटी काउंसिल एंड यहाँ पे फाइनली 4 ये नीचे सबसे नीचे है कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कैंपस ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल और कम्युनिकेशन। ये जो हैं जो भी ये लोग हैं ये ही इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी यूजर टाइप हो उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये कैप्चा है उसको पुट करना होगा। उसके बाद साइन इन करना होगा। तो जैसे ही इसको साइन इन करेंगे तो जो भी स्टूडेंट का डाटा हो इस पोर्टल पे शो होने लगेगा। और स्टूडेंट का डाटा जैसे ही शो होगा उसमें एक ऑप्शन देगा वेरीफाई करने के लिए। तो उस पर आप चाहें जो भी नोडल अधिकारी हैं उस चाहें तो उस डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं, अन्यथा अनवेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि आती है तो उसको अनवेरीफाई कर सकते हैं, अगर सब कुछ सही सही मैच कर रहा है तो उसको वेरीफाई कर देंगे। तो जैसे ही वो डाटा वेरीफाई हो जाएगा तो स्टूडेंट के पास उनके पास एक मेल चला जाएगा या व्हाट्सएप ये एक मैसेज चला जाएगा उनके इनबॉक्स में कि उनका जो डाटा है डीजी शक्ति पोर्टल से वेरीफाई हो गया है। और जैसे ही कोई नई गाइडलाइन आती है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो बटन लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।